अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस सी ई लर्निंग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मार्च 2021 के लिए आपने कौन से पेपर जो है वो सिलेक्ट करने हैं सी ए के। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज भी आ रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मैसेज भी कर रहे थे कि हम नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए सर कौन से पेपर जो है वो सिलेक्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि पेपर किस तरह आते हैं। मंडे में आपके पास जो है वो टैक्सेशन आता है और इंट्रो टू अकाउंटिंग आता है। सुबह आपके टैक्स का पेपर होता है और शाम को आपके पास इंट्रो टू अकाउंटिंग का पेपर होता है। उसके बाद जो है वो ट्यूजडे में आपके पास ऑडिट इंश्योरेंस होता है, वेनसडे में आपके पास एफ ए आर वन होता है, थर्सडे में आपके पास कॉस्ट जो है वो मॉर्निंग में होता है, इकोनॉमिक जो है वो इवनिंग में होता है, फ्राइडे में आपके पास वी एम बी एस होता है, सैटरडे में आपके पास मॉर्निंग में जो है एफ ए आर टू होता है और इवनिंग में आपके पास लॉ होता है। अब आप कभी भी ये गलती ना करें कि आप वो पेपर सेलेक्ट कर लें जो एक दिन में दो होते हैं, यानी कि टैक्सेशन और इंट्रो टू अकाउंटिंग आप सेलेक्ट करने की कोशिश ना करें, कॉस्ट और इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करने की कोशिश ना करें, एफ ए आर टू और लॉ सेलेक्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये दोनों पेपर जो हैं वो एक दिन में आ जाते हैं और फिर आपके लिए मैनेज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड बात मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कौन से पेपर पढ़ने के बाद आपको अगले पेपर उठाने चाहिए। सबसे पहले आपकी इंट्रो क्लियर होनी चाहिए, फिर आपको एफ ए आर वन उठाना चाहिए, एफ ए आर वन क्लियर हो फिर आपको एफ ए आर टू उठाना चाहिए। ठीक है, और आपका जब इंट्रो क्लियर हो तब आप टैक्स उठाएं। ठीक है, या आप जो है वो टैक्सेशन उठा सकते हैं इंट्रो टू अकाउंटिंग के साथ। वैसे जो आई कैप का सीक्वेंस है वो बेस्ट है, जो कि सीक्वेंस क्या है कि पहले तीन दें फिर अगले तीन दें फिर अगले तीन दें, उससे ये है कि वो जो सीक्वेंस है वो उन्होंने बेहतरीन सीक्वेंस बनाया जो कि इस हिसाब से चलता है। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स के अंदर दिया हुआ है अब वो नेक्स्ट पेपर कौन कौन से रख सकते हैं। देखिए, आप इंट्रो टू अकाउंटिंग और बी एम बी एस रख सकते हैं अगर आप दो पेपर देना चाहते हैं, और अगर आप तीसरा देना चाहते हैं तो आप एफ ए आर वन ऐड कर लें। फिर आपको थोड़ी सी मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी इंट्रो टू अकाउंटिंग और एफ ए आर वन और बी एम बी एस दे दें, या फिर आप इंट्रो टू अकाउंटिंग बी एम बी एस और लॉ दे दें। वैसे तो इसमें छुट्टी नहीं आती, लेकिन तीन पेपर अगर आप रखना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए अच्छा सूटेबल जो है वो सीक्वेंस बनेगा कि इंट्रो टू अकाउंटिंग आप दें, फिर बीएमबीएस दें और फिर आप लॉ दें, यानी कि ये तीन पेपर जो है वो आप उठा दें। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंट्रो टू अकाउंटिंग भी रख लेते हैं, टैक्सेशन भी रख लेते हैं, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए ये चीजें मैनेज करना। तो आपने टैक्सेशन के पेपर को कब रखना है, जब आपका इंट्रो टू अकाउंटिंग का पेपर क्लियर हो, और इकोनॉमिक्स का पेपर जब क्लियर हो तब आपने कॉस्ट रखनी है, और जब लॉ का पेपर क्लियर हो तब आपने एफ ए आर टू लिखनी है। लेकिन एफ ए आर टू से पहले आपके पिछले दोनों अकाउंटिंग के पेपर जो है वो क्लियर होने चाहिए। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप इनके स्टडी प्लान को देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि इनमें कोर्स आउटलाइन क्या क्या है कैफ के इन सब्जेक्ट्स की, तो वो आपको कैफ की प्लेलिस्ट में कंप्लीट डिटेल में मिल जाएगी, जिससे आपको नो हाउ हो जाएगा कि इनमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं और किस सीक्वेंस के साथ आपको चलना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हर नए आने वाली अपडेट से आप अप टू डेट रहें। और आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।